हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मॉक्सटॉप डीएम आई ड्रॉप के बारे में। यह जो आई ड्रॉप है एक कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। इस ड्रॉप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बात करें अपन इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, तो इसके अंदर दिया गया है मोक्सीफ्लोक्सासिन जो कि एक प्रकार से एंटीबायोटिक होता है। साथ में इसके अंदर दिया गया है डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉयड होता है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए यह जो आई ड्रॉप है डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, और इस आई ड्रॉप का उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो आई ड्रॉप है मॉक्सटॉप डीएम, इसमें जो कंपोजिशन दिए गए हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन साथ में डेक्सामेथासोन आखिर क्या काम करते हैं, तो इसका उपयोग देखिए। यह जो ड्रॉप एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही आप इस मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसका उपयोग जब अपनी आंखों के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए डॉक्टर से जो आई ड्रॉप है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो आई ड्रॉप है पेशेंट के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, मान लीजिए उसकी आंखों से गंदा पानी आ रहा है, या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण उसकी आंखें लाल रहती हैं, इन्फेक्शन के कारण उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो इस प्रकार की समस्याओं से राहत देने में मदद करती है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट उसकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग वगैरह आ गई है, कई बार ऐसा होता है कि गंदा पानी बार बार आता रहता है, तो जिसके कारण उसको देखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आपकी आंखों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उस इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस आई ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली देखिए यह जो ड्रॉप है आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। यदि यह जो ड्रॉप है आपको मॉक्सटॉप डीएम नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है मोक्सीफ्लोक्सासिन साथ में डेक्सामेथासोन, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला अन्य ब्रांड के आपको यह आई ड्रॉप दे देगा। देखिए इसके ब्रांड नेम में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली यह जो ड्रॉप है आपको रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है। बात करें अपन इस आई ड्रॉप की प्राइस के बारे में, तो मैं जिस आई ड्रॉप का रिव्यू कर रहा हूँ मॉक्सटॉप डीएम, इस आई ड्रॉप की प्राइस है 140 रुपीज़, जिसके अंदर 5 ml की ड्रॉप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड की और कोई दूसरी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर ये दोनों कंपोजिशन दिए गए हों, तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए डोज पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसकी डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है। ये मैं जो डोज बता रहा हूँ यह एडल्ट डोज है, इसकी डोज में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यह जो ड्रॉप है पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार अपनी आंखों के अंदर डालनी होती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन के कारण जो समस्याएं हो रही है उसमें उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी आंखों के अंदर जो जलन हो रही है, खुजली हो रही है, या फिर गंदा पानी आ रहा है, देखने में समस्याएं हो रही है, स्वेलिंग आ गई है, इन सारी समस्याओं में पेशेंट को राहत देखने को मिलती है। बात करें अपने इस आई ड्रॉप के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स वैसे आपको इसके कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह जो आई ड्रॉप है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। लेकिन कई बार पेशेंटों को एलर्जिक समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि इसके ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट की आंखों में जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, इस तरीके के कुछ आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि पेशेंट को सीवियर एलर्जिक समस्याएं देखने को मिले, तो आप इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस आई ड्रॉप का उपयोग करें। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है मॉक्सटॉप डीएम आई ड्रॉप के बारे में कि आखिर किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए यह जो आई ड्रॉप है डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, और इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली, तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।